जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ। हम हैं अयोध्या ज़िले में भगवान राम की नगरी, और ये तहसील कौन सी है, हम कहाँ पे खड़े हैं भैया बताएंगे, हम परिचय करवा देते हैं। मैं संदीप जायसवाल, चौरे बाजार, जिला अयोध्या और तहसील बीकापुर। ये हमारे प्लाट पे बड़े भाई आए हुए हैं भैया। आपका परिचय? जितेंद्र सिंह, हमारे ये परम मित्र है, इन्हीं के पास है। आपका तो कौन सा गांव? मेरा भी उधर गांव है, दूसरी तरफ तहसील यही पड़ती बीकापुर। बीकापुर जिला चौरे बाजार से। चौरे बाजार आए हैं, पहले आए हैं इधर, लेकिन पहले मैप में चले हैं और अभी बिना मैप के, दोनों में अंतर है। चलिए चलते अंदर। इसमें जैसे आपने किया ना, कर तो अच्छा रखा है, लेकिन अगर इसमें बेड बन जाए और ये जिगजैग पे हो जाए जी, तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ से आपका पौधा अच्छा चला जी, ये पर चौकिंग आनी शुरू हो गई। अभी पौधा आपका ठीक है, लेकिन शुरुआत हो गई है इसमें भी। नीचे से देखो आप, ये देखो यहाँ पे भी शुरुआत हो गई आपके पौधे की। तो ये जो है ना निशान जी, तो उधर से देखोगे तो ये दिखते हैं ऐसे, ये देखो ये प्रेगनेंसी के निशान है। प्रेगनेंसी हो गई है, पौधा अच्छी प्रेगनेंसी देगा। तो जैसे ये है, ये कॉलर रूट की पहचान है। हाँ, ब्लैक रूट लग गया, कॉलर रूट ठीक है। इसमें दवा डाले थे लेकिन कोई असर नहीं हुआ दवाई का। क्या डाला? नेटिवो, नेटवो बायर कंपनी का, नहीं मालूम था बायर का। नेटवो 30 रुपए का ब्लीचिंग पाउडर लेके आओ। हाँ, उससे एक एकड़ का इलाज हो जाएगा ठीक है। देखो पत्ता फंसा हुआ है, चौकिंग है। हमने करना क्या है, एक तो ये काट रहे हैं हमेशा। हाँ, वो तो कटेगा ठीक है जी। उसके साथ में ये जो पोजीशन अभी खेत में नमी की है जी, ये हमेशा बरकरार रहनी चाहिए जी। आप लोग भी देख लो प्रधान जी, जी। पप्पू भाई जी, जी जी, ये नमी रहनी चाहिए। ये जैसे खाद यहाँ पड़ी है जी, इसको बीच में डलवाओ और ऐसे मत डालो जैसे आपने डाल रखी है जी। जो आपने डाल रखी है ना जी, ये पकड़ो भाई, इसको ऐसे नहीं डालना जी, इसको बिखरा के दो यहाँ पे। डेढ़ से 6 इंच बाद, हाँ बाहर ये है ना जी, तो ये असर करेगी। अब एक डलौते नहीं, मतलब वो करते हैं सब, करवा रहे नहीं जानता किनारे किनारे रहा दोस्त था। अब ये देखो, ये टाइप में रहे तो पूरा एकदम फुल, ये पूरा उपयोग हो गया। और जैसे तैयारी के समय डलवा दें तो? तो डलवाना ही है जी, तैयारी के समय तो डालना ही है। के समय में डलवाता हूं, अभी भी अगर पीछे डालना है तो ऐसे देना है। अब जैसे रेसिड्यू फ्री खाद मैंने आपको बताई थी, वो कैसे दोगे, वो आप ऐसे दोगे। ये स्टेम रूट है जी, ये फीडर रूट है, ये लेना है। हां, आपका जो रेसिड्यू फ्री खाद बनेगा वो जी, जी, जी। और ये बस, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये प्रेगनेंसी की निशानी होती है गर्भवती। आपके यहाँ पे कुछ और ही होता है मैंने सुना है। नहीं नहीं, फिर भी मतलब निशानी अभी से इसको क्या आभास करेंगे? ये प्रेगनेंसी शुरू हो गई इसकी। अच्छा, गर्भावस्था है, स्वस्थ गर्भ है। जितना लाइनिंग इसमें ज्यादा होगी उतने अच्छी बन जाएगी बस। ये आपके यहाँ पे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे इसको, इसको? हाँ, कि उतने पंजे आएंगे। हाँ, कहते हैं जितनी धारी उतने पंजे। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। और कहीं कहीं पे ये अवस्था की बात है, कहीं कहीं ये न्यूट्रिशन की कमी भी दर्शाता है जी। जी जी, न्यूट्रिशन की थोड़ी सी इनबैलेंस तो है आपके यहाँ पे, क्योंकि पत्ता खींच नहीं रहा है। देखो पोंगा फंस रहा है। अभी एक सेकेंड रुको, मैं आपको बताता हूँ। एक दो चार पाँच, ये 15 जुलाई के बाद का पौधा है जी। ये 15 जुलाई के बाद का लगा है। हाँ जी, 20 जुलाई को लगा है ठीक है। 15 जुलाई के बाद का पौधा है, ये कुछ जादू नहीं है। जब आप किसी चीज़ के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप बता देती हैं, लगभग एक्यूरेट।
मैं फल निकलने के बाद पौधे के फल को देख के बता देता हूँ, इतने दिन का हो गया, एक दिन आगे ना पीछे, किसान भी हैरत में आ जाता है कि हम यार ऐसे कैसे बता दिया आपने, और गॉड गिफ्ट है क्या करें। तो ये जो है आपका बीच बीच में चौकी फंस रही, इसमें देखो ये पौधा आपका, मैं बताता हूँ सितंबर के महीने में आके रुका है ये, थोड़ा सितंबर के महीने में आके रुका फिर चला, अब ये आगे फिर फंस गया। सितंबर महीने में बता दें कहाँ रुक गया है। हम लोग गए थे राजा के यहाँ, राजा जयसिंह बाराय जो 400 बीघा केले खेती करते हैं, तो उनका देख कर आए पौधा, तो बहुत छोटा था उनका और हमारा तो बहुत तेज बढ़ रहा था, भाग रहा था मेरा पौधा, तो बोले कि तुम तो एडवांस में जाओ, खाद मत दो उसको, एडवांस में जाओ। तो हम तो उनका देख के फिर हमें लगा भैया हम बहुत तेज भाग रहे हैं, तो हमने खाद रोक दिया। अच्छा, डेढ़ महीने हमने, एक महीने डेढ़ महीने कोई खाद, हमने जो महीने का आपको बताया सही बोला कि नहीं जी, सितंबर में एकदम एकदम पौधा पे 15 दिन पे रुक गया ये, उसके बाद फिर मैंने खाद दिया तब भगना फिर चालू हुआ। हर आदमी के अपने साथ उनके अनुभव अपने अपने साथ जी, जी, बस वही सब सही है अपनी जगह में, डिपेंड करता है कि मुझे मेरे खेत में क्या करना है, क्या करना है। राहुल अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है, उपाध्याय जी अपनी जगह सही है, लेकिन हम मुझे देखना है कि मुझे मेरे खेत में क्या चाहिए। अभी फिलहाल आपका खेत बहुत मेरे हिसाब से अच्छा है, इसमें वो शेखर भाई वही शेड्यूल, इनको भी जोड़ो, मैंने कुछ शेड्यूल बताया है, वो सेम एज इट इज शेड्यूल फॉलो करो। अब तो इस बार मैं आपको केला कटवाता हूँ, हमारा आईटीसी कंपनी का है, कोई बात नहीं, किसी का भी हो, किसान होना चाहिए, वो सब हमारा है। अब एक प्लाट मेरा उधर है, वो भी देख लीजिए। जी जी जी, ठीक है साहब, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।